गुड मॉर्निंग क्लास। क्या बताया था बाबू आप लोग को? जल्दी जल्दी खोलिए आप लोग। बिहार जल्दी। जल्दी लाइव हुई है जी आप लोग। गुड मॉर्निंग लाइव क्लास सब लोग को। बिहार के बारे में बता रहे थे। बिहार में पहाड़ी एरिया भी है। ये ऊपर वाला जो पहाड़ी देखिए, ये बिहार का ये ऊपर वाला क्या चीज है? पहाड़ी एरिया। ये पहाड़ क्षेत्र है और नीचे वाला भी ये वाला एरिया पहाड़ है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो ये दोनों ओर से उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है। एक आदमी कोई नक्शा दीजिए, कुछ भी कॉपी किताब यहाँ देखिए। ये जो बिहार है ना, बिहार जो है आप देखेंगे एक इधर से भी धंसा है, इधर से भी धंसा है, ऐसे धंसा हुआ है बिहार। मतलब अगर ये जो बिहार है ये ऊपर से भी उठा है, इधर से भी उठा है, धंसा कहाँ है? बीच में। और बीचों बीच में हम लोग क्या रहते हैं? पटना। इसलिए इधर से भी कोई नदी आएगी तो किधर जाएगी? बीच में। और इधर से भी कोई नदी निकलेगी तो बीच में। अब ये इस साइड में इसका ढाल नहीं है, इस साइड में ढाल है। मतलब ऊपर से भी नदी आएगी तो बीच में, नीचे से भी आएगी तो बीच में। और डगरेगी किस दिशा में? पूरब दिशा में। किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो उत्तर में तो ये बात समझ में आता है कि ऊपर में पहाड़ इसलिए है, ऊपरी भाग में पहाड़ इसलिए है क्योंकि ऊपरी भाग में हिमालय है। और दक्षिण भारत में पहाड़ इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में झारखंड का एरिया है, दक्षिण बिहार में झारखंड का एरिया, वो भी पहाड़ी एरिया। बिहार का ढाल किस साइड में? पूरब साइड में। इसलिए आप देखिए कोई भी नदी जो है वो हमेशा आएगी तो बीच के डायरेक्शन में, चाहे वो इस साइड से कर्मनाशा हो, सोन पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी, अजय नदी इस साइड में, या यहाँ पे महानंदा हो, कमला, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, घाघरा, कोई भी नदी को देखेंगे वो आएगी कहाँ पर? बीच वाले डायरेक्शन में। जब भी आएगी कहाँ आएगी? बीच में। और उसे गंगा लेके किधर चली जाएगी? पूरब डायरेक्शन में लेके चली जाती है। ये उसका ढाल है। किसका? गंगा नदी का, सॉरी बिहार का। गंगा नदी भी तो बिहार के ही ढाल को फॉलो करती है। कुछ जगह पूछते हैं, आप बताइए ये नदी बता सकते हैं? हाँ, सोन। कौन नदी है ये? पुनपुन। कौन है? पुनपुन। ये फल्गु, क्यूल। क्यूल नदी तो क्यूल, लखीसराय और क्यूल के बीच में एक तो नदी है क्यूल नदी। कूदिएगा तो हाथ पर टूट जाएगा। पानी कहाँ रहता है उसमें? बहुत कम पानी रहता है, हिल जाता है, घुटना पर पानी रहता है वहां पर। और दोनों स्टेशन के बीच में गैप भी नहीं है, इधर लखीसराय इधर क्यूल, पैदल चल जाएगा आदमी लखीसराय और क्यूल के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ही, वहां पे क्यूल के पास कौन सी नदी है? क्यूल नदी। ये दक्षिण बिहार की मेन नदियां हैं सब। ये नदी कर्मनाशा, इसमें जो नहा लेता है उसका कर्म क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। हम इसमें भी नहाए हैं और गंगा में भी नहाए हैं, समझ में आ गया? नहीं, एक बार फॉर्मेट मार दिए पूरे कर्म को, किसमें जाके? कर्मनाशा। सबको अपने पापों का अंदाजा होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। तो कर्मनाशा में आदमी नहा लिया, हम लोग पाप करे के फुर्सते नहीं मिला। टाइम चाहिए ना पाप करे का। सबको पाप करना भी, आदमी जानबूझ के तो कई नहीं, भाई आदमी अनजाने में भी कई को पाप कर दिया। तो ये कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी में कहा जाता है कि आपका सारा कर्म क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? कोई महान व्यक्ति को कर्मनाशा में ना आइए, क्या ये नदी उसके पापों को, पुण्य को धो सकती है? नहीं। बहुत ही अधर्मी भी रहेगा तो गंगा में नहाने से उसको क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं। लेकिन आस्था है, गंगा पवित्र शिव जी के जटा से है। तो दक्षिण भारत की या प्रमुख बिहार की प्रमुख नदियों में ध्यान रहेगा, बोलिए ये कर्मनाशा, ये पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी। कौन नदी? क्यूल।
फल्गु नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति है? महात्मा बुद्ध। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत से वह नदी जो ठीक पटना के पास आके मिल जाती है, पुनपुन, ठीक पटना के पास मिलती है पुनपुन, फतुहा जगह है पटना में, पटना से बाहर निकलेंगे ना, पटना मेन सिटी जैसे खत्म होगा फतुहा चालू हो जाता है, फतुहा आने वाले 10 साल में फतुहा पटना आपस में मिल जाएगा, इतना ज्यादा करीब में ही है। तो फतुहा के पास कौन नदी आके मिल जाती है? पुनपुन नदी। और क्यूलोर में कौन आके मिलती है? सोन नदी। क्यूलोर में आके मिलती है सोन नदी। सोन नदी दोबारा बनाते हैं, आप लोग को ये नदी बनाना पड़ेगा, इसलिए 4 बार 5 बार बनाएंगे तो आप खुद से देख के बनाइएगा। बिहार को बनाना कैसे है? एक तो बीच में से इस टाइप का बना देंगे, बिहार हो गया, यहाँ पे ऊपर वाला थोड़ा सा इसे तेढ़ टाढ़ करके लंबा ले जाइए, इसको तेढ़ टाढ़ करके इसे छोटा ले जाइए, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, एक तो बड़ा एक तो छोटा रहना चाहिए, अब इसको इसे इसे करके मिला दीजिए, हो गया। एकदम डर डर के नक्शा नहीं खींचना है, त्रिभुज कहाँ हुआ है? नदी कौन नदी है? गंगा नदी। बिहार को कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में बांटती गंगा नदी। ये साइड से आ रही है कौन नदी? कौन नदी है? कर्म नाश। कर्म क्या हो जाएगा? नाश। ये सोन नदी, यहां डायरेक्शन दे देते हैं सोन नदी का, उसके जस्ट यहाँ पे कौन सा जगह है? पटना। और कौन नदी आके रही है? कौन नदी? पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन। पटना के पास ऊपर से एक और नदी आती है, ये देखिए गंडक। गंडक जो है ना कहाँ मिलेगी? पुनपुन, पटना और ये पुनपुन और सोन के बीच में कौन मिल जाएगी? गंडक। गंडक तो पटना के जस्ट पास जगह है हाजीपुर। हाजीपुर में कौन? हाजीपुर के पास सोनपुर है। पटना के पास कौन जगह है? सोनपुर। तो सोनपुर में कौन नदी आके मिल जाती है? गंडक नदी। कौन नदी? गंडक। अब पटना के जस्ट पास है फतुहा। फतुहा में कौन नदी? पुनपुन। पटना जिला में इस साइड में आपका कोइलवर। कोइलवर में कौन मिलेगी? सोन। सोन। अब यहाँ ऊपर में देखेंगे एक और नदी आती है अयोध्या से, सरयू नदी। छपरा के पास आके मिल जाती है, किसमें? गंगा में। पटना के पास इतना ना पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इस एरिया में इतनी पानी की मात्रा बढ़ जाती है कि ये ही जाके चढ़ाई कर देते हैं कहां पर? इस डायरेक्शन में। और यहीं यही नदियां मिलके गंगा को पूरी तरह भर देते हैं और यहां से बाकी का काम कर देती हैं सब, कोसी वगैरह पूरी तरह से। इधर तो छोटी मोटी नदी है सब, ये सब क्यूल वगैरह, ये तो फल्गु है। फल्गु भैया, क्यूल क्यूल, ये फल्गु। ये उत्तर भारत की नदी देख, दक्षिण बिहार की नदी मुख्य रूप से, उत्तर बिहार की भी कुछ देख लेते हैं नदी। खतरे का संकेत से बना देते हैं कोसी नदी। ये कौन सी नदी है? कोसी। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सप्त कोसी। नेपाल में सप्त। इसमें एक और आके मिलती है कमला, एक तो बागमती। कमला और बागमती, कमला बागमती किसके पानी को बढ़ा देते हैं? कोसी के पानी को बढ़ा। इस साइड से एक और आके मिल जाती है महानंदा। कौन नदी? महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। किसी कोई दिक्कत? महानंदा नदी। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि गंगा में मिलने वाली बाएं किनारे से, तो गंगा का मुंह तो इधर है, तो बाया छोर कौन सा होगा? ऊपर या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो बाएं छोर से, गंगा में मिलने वाले बाएं छोर से अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। अंतिम छोर से मिलने वाली महानंदा नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है महानंदा नदी में? ये दार्जिलिंग के पास से आती है महानंदा नदी। नाम लिख दें, आप बताइए। ये नदी केवर करमनास, ये गंगा, ये पुनपुन नदी, फल्गु कीउल, ये सरयू या गंडक। अयोध्या में इसे क्या कहा जाता है? सरयू। और इसके बाद आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? गंडक। सॉरी, हाँ घाघरा कहते हैं जी, गंडक में घाघरा, तो भी जीए लिखाएगा, सरयू या घाघरा। आप में से छपरा का कोई है? सारण। कौन सी नदी है वहां? पता नहीं उसको। घाघरा नदी है, बहुत बड़ी नदी है घाघरा, उसको पता ही नहीं है। ये नदी कौन सी है? गंडक। गंडक हाजीपुर के पास, सोनपुर में कौन आके मिलती है? गंडक। छपरा में घाघरा, छपरा में बक्सर के पास करमनासा, कोइलवर में सोन, फतुहा में पुनपुन,
ये नदी बोलिए फल्गु, ये नदी महानंद, ये महानंदा, महानंदा कौन कोसी कोसी चिल्ला रहा है, ये वाला कोसी, ये कमला, ये बागमती, कमला और बागमती, कमला और बागमती नदी देखे हैं बिहार में। मेन नदी में देखिए समस्या क्या है कि गंगा नदी ओवरफ्लो होने लगती है और गंगा मैदानी क्षेत्र में आती है, डबल समस्या है यहाँ पर। एक जहाज आता है जिसे हम लोग कहते हैं डोजर, डोजर होता है जहाज वहां पे, उसका काम क्या होता है ना, जो खोदते चलता है मिट्टी को, अंदर से इसे क्या करेगा, खोदेगा और साइड साइड में रख देगा इसे, तो रास्ते में इसे खोद के मिट्टिया को साइड में रख देता है, तो जहां से वो जाता है ना वो जगह को बहुत गड्ढा कर देता है, बहुत ही ज्यादा गहरा कर देता है, तो बहुत ज्यादा गहरा होने से ना पानी की मात्रा उसमें ज्यादा अटती है, तो ये ड्रोजर चलाना चाहिए। आप यहाँ इस साइड में देखेंगे तो ये बक्सर जिला और यहाँ पे भागलपुर, यहाँ पे भागलपुर, अगर आप बक्सर से एक ट्रक गेहूं भागलपुर भेजते हैं या बक्सर से कोई सामान एक ट्रक ले आके कहाँ भेजते हैं, भागल, वो ट्रक वाला कम से कम आपसे 30 से 40 हजार किराया लेगा, 30 से कितना लेगा, 40 हजार किराया लेगा। लेकिन अगर डोजर जहाज को इस चैप्टर मतलब इसमें मतलब इस गंगा नदी को गहरा करके यहां से भेजा जाए तो महज 4 से 6 हजार लगेगा पानी वाले से। गंगा डॉल्फिन को कहोगे, कौन उसको डॉल्फिनवा को रोक रहा है, समुद्र में इतनी जहाज चलती है क्या, शार्क मर जाती है, इतना बड़ा नदी में एगो नाव चलेगी पानी वाली, जहाज तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये तो गजब आदमी है ये गोला का नहीं लग रहा है, सड़क पे गाड़ी चलती है, भैंस चलती है कि नहीं चलती है, और ये हाल हो जाता है कि गाड़ी वाले को बचाना पड़ता है भैंस से, भैंस में क्या है उसे मान के चले किसी का फोर भी, सड़क को तो इतना लोग ट्रैफिक नियम पालन नहीं करते, खास करके मोटरसाइकिल वाले, गजब का मतलब ये लोग को कोई मतलब, अगर बस सरकार ये बता दे या फोर व्हीलर जो कार या फिर एसयूवी गाड़ियों बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो कह दे कि आपकी गाड़ी पे जो स्क्रैच आएगा या छोटा मोटा टूट फूट होगा उसकी भरपाई हम फ्री में करके देंगे। देखिए डेली ससुरा 20 गो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वालों का जो एक्सीडेंट होता है लाख में पहुंच जाएगा, बेचारा गाड़ी वाला ना अपना डरा के गाड़ी निकालता है, ये ससुरा तनियों से स्क्रैच लगेगा 30-40 हजार से कम नहीं लगेगा, अब मोटरसाइकिल वाले में कौन चाहिए वो 40 हजार में होकर पूरा मोटरसाइकिल दोबारा आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सड़क पे आप ले जाएंगे तो बाकी डिस्टर्ब होते हैं लोग। यहाँ पर अगर आप गंगा नदी को गहरा करने से बाढ़ की भी समस्या कम होगी, दूसरा वहां से परिवहन भी ले जाया जा सकता है। ये बिहार की सबसे प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी नदी होंगी, आपके गांवों से भी बहुत सारी नदियां जा रही होंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, ये नदी बोलिए सब लोग फटाफट बताएंगे, ये नदी सोन बोल रहा है वो पीछे से, बताइए जल्दी, ये घाघरा कौन नदी है, कोसी नदी, पहले ही से टीप के रख ले सो। कौन सा है, कमला, कौन सा है, कमला नदी, ये गंडा, बागमती, कौन सा है, ये कमला, ये कोसी, महानंदा, ये बागमती, याद रहेगा ना।
राम नदी, ऐसी सारी नदियों के बारे में पढ़ना है आपको। नदी चैप्टर है आप में एक लास्ट में, अभी जगह तो देख लीजिए। तो बिहार का सादा नक्शा है कि नहीं आपके पास, उसमें ये नदी भरी है। एक तो सादा नक्शा होगा, एक तो में नदी भरी है। सब लोग फटाफट नदी भरिए बिहार का। जो बिहार के सादा नक्शा में ये नदी भरी है, बस वैसे डायरेक्शन जरूर दे दीजिएगा तीर का निशान, ताकि पता चलेगी जा कहां से रहा है। ज्योग्राफी शाम 5 बजे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो एडमिशन लिए थे उनको लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो नए लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन, वो देखना पड़ेगा सर्वर में जगह है कि नहीं। महिला दिवस के दिन बोल दिए थे कि जगह है एडमिशन ले लीजिए, जगह नहीं था। हो जाएगा एप्लीकेशन पे। उसके आगे चलेगा इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी होगा फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। महिला दिवस के दिन बोल दिए कि मतलब सब लोग एडमिशन ले लो, बेचारा महिला सब एडमिशन लेने आई, जब जगह नहीं बचा था। मनिया बाबू स्टार्टिंग ऐसे होगा बाबू, स्टार्टिंग देखो ज्योग्राफी में आपको मेनली 4 चीज पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, 5 चीज है। तो अभी आपका चलेगा इंडियन ज्योग्राफी, फिर चलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और अभी एक बार क्या हुआ था, सर्वर क्रैश होने से पहले हम एस्ट्रोनॉमी जियोलॉजी शायद बता दिए थे, तो पहले ये बता देंगे ताकि उन लोग का अपना निकल जाए, फिर आप लोग को वो चीजें लास्ट में बताएंगे। पहले आप लोगों को क्या चलेगा, इंडियन ज्योग्राफी फिर वर्ल्ड, या वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर इंडियन ज्योग्राफी, दोनों में से कोई एक चलेगा, अब ये कल डिसाइड करेंगे। हो गया, आगे बढ़िए, जल्दी भरो भैया। छत्तीसगढ़ में माटी से पता नहीं क्या बोलता है, वीडियो डाउनलोड नहीं होता बाबू, पढ़िए जल्दी। बन गया, ए डिजिटल इंडिया मोबाइल लग बनाने को बोले तो फोटो खींचता है। अपने को यही होशियार बनते हैं, हम मटेरियल में नहीं दे सकते थे ये नक्शा, हमको क्या जाता, आपको बनवा रहे हैं ये। जिसको देखो उसको लगता है खाने सर को सबसे कम दिमाग है, वो यही सोचता है खान सर का दिमाग ही नहीं है। तुम हमें समझ सको, अभी तुम में इतनी समझ नहीं। अब कुछ जगहों के बारे में चले बिहार में, आपके पास एक और सादा नक्शा है कि नहीं है, एक और सादा नक्शा होगा आपके पास। ये नदी बोलिए तो, गंडक, कौन सी नदी, ये पूरा एरिया मिथिला, मिथिला, मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है, मिथिला पेंटिंग, मिथिला का केंद्र कहा जाता है मधुबनी, मतलब मधुबनी वाला एरिया, ये सब मिथिला का ही गलत, यहाँ की भाषा जो होती है मैथिली होती है, बड़ी मधुर भाषा होती है मैथिली। अरे हम सोचते थे मैथिली भाषा बोले, सीखने के लिए वही सोचे थे, पता नहीं कौन सा भाषा सीख गए। खाना क्या बोलते हैं, खाना खा ली लू, कहाँ जाई छी, मैथिली ये भरी है दूसरे नक्शा में।
दूसरे नक्शा में इसको भरिए मैथिली मिथिला मिथिला दूसरे नक्शा में भर लीजिए मिथिला वैशाली मिथिला में नहीं है भैया। आपको नहीं लग रहा ये गंडक के इस पार वाले एरिया हम बोल रहे हैं? इस साइड में आप देखेंगे सिवान छपरा वैशाली सारणा गोपालगंज चंपारण ये सब मिथिला में नहीं आएगा। इस साइड ये पूरा भोजपुरिया वाला है सब। सिवान वाला में तो सिवान में भोजपुरी है। यहाँ देखिए ये जो नदी है यहाँ देखिए ये नदी है सोन। तो ये वाली जो भोजपुरी है ना एकदम ठेठिया भोजपुरी है। क्या करते रे रेखा ना कहिए यहाँ बोलेगा कहाँ जाते रे रे सिवान में वहां क्या बोले कहाँ जाते रहीस हमन सन के जाते नहीं सन किधर बोलेगा ये सिवान में हमनी के जाते नहीं जा इधर बोले ये भोजपुरी टाइप का ही जो है यहाँ पटना वाला था ये बोलता है कहाँ जाए तू हो गया ये गंडक वगैरह बिहार में आप देखते चलिए आप ऊपर का एरिया पढ़ाते हैं हमको। बिहार में नीचे से बहुत सारे एरिया को आपको बता दिए थे। सीमेंट कारखाना बिहार के किस जिला में था? अरे डालमिया नगर में तो बंद हो गया यार। हाँ औरंगाबाद कहाँ से था? औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक बहुत प्रमुख मंदिर है देव मंदिर सूर्य मंदिर है। औरंगाबाद में एक जगह है देव औरंगाबाद में एक जगह है देव उस देव में एक मंदिर है नाम क्या है सूर्य मंदिर। औरंगाबाद में कौन सा मंदिर फेमस है? सूर्य मंदिर देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद में देव का सूर्य मंदिर जगह देखिए एक बार हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ये नदी कौन सी है देखिए ये सोन यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोइलवर कोइलवर यहीं पे हो जाएगा ये आरा कौन सा जगह आरा ये बक्सर ये कैमूर ये वाला जगह रोहतास यहीं पे आपको डालमिया नगर बंद सीमेंट फैक्ट्री डेहरी ऑन सोन ये जिला बोलिए तो औरंगाबाद सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद देव में इसी जिला में एक जगह है देव वहां क्या है सूर्य मंदिर जबकि उड़ीसा के कोणार्क में भी सूर्य मंदिर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत है? चंदन कुमार कह रहे हैं सर हम यहीं के हैं अच्छी बात है भाई। इसके बगल में कौन जगह हो गया? गया। कौन है? गया। सबसे ज्यादा गर्मी ठंडी सूखा पथरीला जगह सब चीज उठा के मार दिए कहां पर गया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया। यहाँ पर इसके पास में ये नवादा कौन जगह है? नवादा। काकोलक जलप्रपात नवादा जमुई इधर कौन जगह? जमुई समुद्र ना इस नवादा के पास देखेंगे यहाँ पे मिलेगा बिहार शरीफ नालंदा मिला नालंदा और बिहार शरीफ जिला का पूरा नाम है नालंदा जिला मुख्यालय क्या है? बिहार शरीफ नालंदा जिला मिल गया। नालंदा लिखा है या बिहार शरीफ लिखा है? दोनों चलिए देखो भाई नालंदा ये जिला कौन सा है? नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ। नालंदा में जो विश्वविद्यालय था उस विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी ने उस यूनिवर्सिटी को जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। यहाँ पर ये इन मुगलों में या इन सब में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि हम दूसरे को सबसे बड़ी यही खराबी हो जाती चाहे मुगलों को देखिए चाहे दिल्ली सल्तनत को देखिए मतलब हम थोड़ा बर्बाद कर देंगे मार देंगे कूच देंगे फाड़ देंगे हमारे हिसाब से चल तुम आदमी नहीं जानवर समझ के काट कूट दिया सब। इनको लगता ही नहीं कि मतलब बड़ी खराब लगता है। सीरिया में देखिए ना कोई बात नहीं मानेगा उसका गले काट देगा। इराक में देखिए गले काट भाई हिंदुस्तान में है यहाँ आप किसी को खूब से खूब होगा तो एक तमाचा मार देगा आपको बहुत हो गया गरिया उरिया देगा सर और नहीं काटेगा। अब बताइए भैया इसको यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है तो क्या दिक्कत है? भाई नहीं पसंद है मत पढ़ो वहां पर। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही थी इस्लाम धर्म की शिक्षा थी नहीं। इस्लाम धर्म में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है भी नहीं कहाँ पे बनाएगा कौन जी पढ़ाएगा कौन उतना बड़ा यूनिवर्सिटी में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? जला दिया। इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? जला दिया। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। किसका सेनापति? अब बख्तियार के और उसी ने शहर की स्थापना किया था बिहार शरीफ कौन सा जगह के बिहार वहां एक और जगह बख्तियारपुर। अब देखिए नक्शा में देखिए बख्तियारपुर मिला पटना के पास से मिलेगा आपको बख्तियारपुर नहीं मिलेगा छोटा सा जगह है बख्तियारपुर छोड़ दीजिए वो इतना छोटा जगह नहीं मिलेगा उतना छोटा जगह। तो ये मिल गया बिहार शरीफ। नालंदा में जो नालंदा जिला में है बिहार पुलिस एकेडमी कहाँ है? नालंदा जिला।
नालंदा जिला में उस जगह का नाम कौन सा, छबीलापुर पुलिस स्टेशन करके ऐसे कोई है क्या वहाँ का आप में पुलिस एकेडमी, कौन सा जगह है वहाँ पे छबीलापुर? अरे पुलिस स्टेशन का नाम है कोई, राजगीर के पास होगा हाँ वहाँ पे। तो राजगीर के पास जो पुलिस एकेडमी है ना, बहुत ही बेहतरीन पुलिस एकेडमी है। वहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे राजगीर, मिला कि नहीं राजगीर? अरे थोड़ा सा बस नालंदा के पास ही, नालंदा नवादा के पास में मिला राजगीर। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगीर। प्रारंभिक राजधानी राजगीर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है राजगीर में? यहाँ पर ये नदी कौन सी जा रही है? गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा। इस गंगा नदी के पास यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा बरौनी या बेगूसराय। बरौनी गंगा नदी से सट के, बेगूसराय मिला, बरौनी मिला। जिला का नाम कौन सा है? बेगूसराय। जिला का नाम बेगूसराय। उस बेगूसराय जिला में सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बरौनी। कौन रेलवे स्टेशन? बरौनी। वो बरौनी रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से गंगा नदी को आप क्रॉस कर सकते हैं। रेलवे पुल के माध्यम से गंगा नदी को कहाँ क्रॉस कर सकते हैं? बरौनी में। वही यहाँ पे जगह था, मुख्य जगह कौन था? बरौनी था। यहाँ से गंगा नदी को क्रॉस करते थे। उसके बाद इधर क्रॉस करने के लिए गंगा नदी पे नहीं था, ऊपर वाली ट्रेन उधर रह जाती थी और नीचे वाली ट्रेन नीचे रह जाती थी। और यहाँ एक मालदा में था, बंगाल में। तो ट्रेन में समस्या क्या था कि अगर ट्रेन को उत्तर बिहार से गुजरना है तो बंगाल से ही उसका रूट सियालदा वगैरह होकर निकाल के ऊपर ऊपर निकाल के इधर से गोरखपुर होकर दिल्ली भेजा जाता था। और जो ट्रेन नीचे आती थी उसको यहाँ ले आया जाता था पटना, पटना और मुगल सराय होके भेजा जाता था, या फिर नीचे से गया होके मुगल सराय भेजा जाता था। यहाँ बीच में क्रॉसिंग के लिए कहाँ पे पुल था? मुगल सराय, सॉरी बरौनी। अभी तो पटना में एक और बन गया है जेपी सेतु, वहां पर दीघा पुल में। तो अभी वहां से भी ट्रेन को अभी क्या करा सकते हैं? क्रॉस करा सकते हैं। उत्तर बिहार को ट्रेन को अगर दक्षिण बिहार में लाना था तो पहले कहां से लाते थे? बरौनी वाला एरिया से। यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रेलवे स्टेशन के लिए बरौनी फेमस है। बेगूसराय में दो चीज फेमस, एक वहां झील है, झील का नाम काबर झील। कौन सी झील? कोई दिक्कत? काबर झील है। कहां पर है? बेगूसराय। बेगूसराय के काबर झील है, वहीं के बेगूसराय के थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहां के थे? बेगूसराय। यहां का बहुत बड़ा मतलब रेलवे स्टेशन का नाम क्या? बरौनी। कौन जगह है? बरौनी। मिल गया यहाँ बेगूसराय। इसके इधर देखेंगे तो मुंगेर मिल गया, पूरब में मुंगेर। योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुंगेर। योग यूनिवर्सिटी मुंगेर। योगा वगैरह करते हैं कि नहीं आप लोग? अरे योगा करने को फुर्सत नहीं है तो क्लास में चार बार ऊपर नीचे कर लीजिए, पूरा योगा हो जाएगा आपको। तो योग विश्वविद्यालय मुंगेर। सिगरेट फैक्ट्री कोई है आप में मुंगेर का? मुंगेर के हेलो कोई लड़का नहीं है? अरे वाले मुंगेर वाले। गन फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, मीर कासिम का किला मुंगेर, योग विश्वविद्यालय मुंगेर। मुंगेर का लोहार सब जो है ना बंदूक बना देता है, और वो बंदूक बनाया क्यों? देखिए मुंगेर में ही ऐसा क्यों बनता है, अंग्रेज जो थे सब वो यहाँ पे बंगाल में शासन करते थे सब, और यहाँ का उसने नवाब बनाया था मीर जाफर को। किसने बनाया? मीर जाफर को। ये जफरा लोल था, ये जो जफरा क्या था? लोल था। इसने क्या किया कि अंग्रेजों को चापलूसी करने के लिए, खुश करने के लिए, ये मुगलों से अलग होके अपना साम्राज्य बनाया। जाफरा ने, अंग्रेजों ने जाफर को क्या बना दिया? राजा बना दिया। लेकिन अंग्रेज बार बार इस जाफर से पैसा लेते थे, कुछ लाओ ना कुछ लाओ ना। इस शुरू में देते गया, उसके बाद जब ये पैसा देना कम किया ना तो इसके दामाद को बना दिया मीर कासिम को। किसे बना दिया? मीर कासिम को। कहा कि तुम राजा बनेगा? तो कहा हाँ बनेंगे। तो बंगाल का नवाब किसे बना दिया? अंग्रेजों ने। कहा मीर कासिम ने देखा कि बंगाल में रहेंगे ना तो अंग्रेजों के बुद्धि से जीत नहीं पाएंगे, इन लोग के पास बहुत ज्यादा दिमाग है। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लेके चलाया? मुंगेर। क्या ला दिया? मुंगेर। तो अंग्रेज सोचे कि कसिमा भाग गया, कहाँ भागा? मुंगेर। अपना किला कहाँ बनाया? मुंगेर। तो मीर कासिम का किला मुंगेर, राजधानी किसे बना दिया? मुंगेर। और इसने देखा कि अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार है, हम लोग के पास तलवार था, दौड़ा के मारो, मार 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 मार, और दूरे कहता था आवा आवा धाए। कहा कि ये सब का गजब बंदूक है। तो दो चार को लाया अंग्रेजन सबको, कहा कि बनता कैसे रही? तो कहा कि मतलब स्प्रिंग स्प्रिंग लगता है। कहा कि तू तेरा स्प्रिंग वगैरह, उन सबको दो चार को देसी शराब पिलाया। अंग्रेज सब शराब के बड़े शौकीन होते हैं सर, सिगरेट और शराब के। तो मुंगेर में सिगरेट का खाना भी, तो उन सबको सिगरेट पिला। अंग्रेज सब लड़कियों पीती हैं सर सिगरेट उगरेट शराब वराब, भारत की लड़की वो सब नहीं पीती है, कुछ कुछ पी जाती है।
आए छोड़ यार वो सब, तो उन सब को ना बोरिंग रोड में तोरा कैसे पता, उधर ही रहते थे, उधर ही रहते हैं। तो तुम पीते शराब लड़की को कहां से देख लिया दिन? छोड़ो यहां ध्यान से। तो अंग्रेजों को शराब का नशा बहुत अच्छा था, तो मीर कासिम ने ना जो अंग्रेज सब में जो हथियार बनाने वाला था उसको कहा कि कौन सी तू पीता है CBSE वाला शराब, इसमें नशा है, बिहार वाला पियो बोतल भी नाचने लगेगी। मार बिहार वाला पिलाया उसको एकदम झूम गया, ये शराब है। और उससे सारा हथियार का टेक्नोलॉजी सीख लिया, गोला बारूद का, और कारखाना कहाँ डाल दिया, मुंगेर में। अंग्रेजों ने कहा कि ले भाई साहब ये तो कासिम जो है बड़ी खतरनाक निकला, जफरे ठीक था, क्योंकि तो हथियार उथियार का कारखाना डाल दिया, तोप बना रहा है वहां पे, गोला बारूद बंदूक खूब बंदूक बनाने लगा। और जब बंदूक बनाने लगा वहां के लोहार सबको ट्रेनिंग दे दिया। अब भारत में टू कॉपी करने वालों की कमी है, मार लोहार मार मार कट्टा पिस्टल बनाने लगा सब वहां पे। अंग्रेजों ने कहा कि जफरे ठीक था, मीर कासिम को कहा कि तुम्हारा छुट्टी, जफरा राजा बनेगा। दोबारा राजा किसको बना दिया, मीर कासिम भड़क गया, मीर कासिम भड़क गया, भाग गया दिल्ली। कहाँ गया दिल्ली, किससे, यहाँ से मुंगेर से कहाँ भागा दिल्ली, और यहाँ था सिरा, यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, कौन था शाह आलम द्वितीय से कहा कि देखिए अंग्रेज आपसे बंगाल छीन लिया सब, हमको भी तनिसा दिया था तो हमको भी भगा दिया सर, चलिए मारते हैं उन सबको। तो मीर कासिम यहाँ से किसको लेके आया, कासिम और शाह आलम द्वितीय। रास्तों में मिल गया अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ये तीनों मिलके तिलगुट सेना बना लिए, और अंग्रेजों को यहीं से खुली चुनौती दिया से कि आ जाओ हम लड़ते हैं, देखते हैं कौन लड़ेगा। तो उधर से अंग्रेजों आए सब, इधर से भी गए सब। बक्सर में 1764 में भयंकर युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, इसमें ये लोग नया नया हथियार बनाए थे, और अंग्रेज सब बड़का स्टेन गन लेके आए थे। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर में, हेक्टर मुनरो यहाँ नेतृत्व करना, मारा धज्जी उड़ा दिया, तीनों को मार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीत लिया, क्योंकि एक ही युद्ध में भारत के तीन सबसे बड़े राजाओं को हरा दिया, अब बचा कौन, कोई नहीं। एक की लड़ाई में सचुरा का सेना लेके आया था सही सर, हथियार कुपोषण नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या, इन लोग में ना बिकते बड़ी ज्यादा लोग हैं, लोग मतलब जासूसी वगैरह वो बहुत आराम से करा लेते थे, इस वजह से भारतीय सेना कमजोर पड़ जाती थी। दूसरा इन लोगों के पास पैसा वैसा भी नहीं था। तो मीर कासिम का किला कहाँ है, सिगरेट फैक्ट्री, योग विश्वविद्यालय, कट्टा बंदूक, अरे बात पूछे भाई मुंगेर। हालांकि मतलब वहां हर डिजाइन का कट्टा मिल जाता है, हद तो तब हो गया कि एक लड़का कह रहा कि सर 2000 में मिल जाता है, कौन है मुंगेर का, 2000 में मिल जाता है, तो नलिये फट जाएगा उसका, तो चार गोली में उसका नली फट जाता है। वहां पे कालीन भैया मूवी देखे, गोली चलाता है हाथों में फट जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो बताइए ये मुंगेर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत है मुंगेर में, मीर कासिम का किला, मीर कासिम का किला, योग विश्वविद्यालय, याद हो गया मुंगेर वगैरह में, मुंगेर हो गया। मुंगेर से आगे बढ़िए भागलपुर, मिला भागलपुर एकदम साइड में मिलेगा, भागलपुर नहीं मिला, भागलपुर, भागलपुर ये महाज कौन सा महाजनपद था, ये भागलपुर कौन से महाजनपद में आता, अंग यहाँ पे, तो ये अंगा अंग यहाँ पे भाषा, मतलब यहाँ की भाषा भी थोड़ी सी डिफरेंट है इन लोग से, हालांकि मैथिली से ही मैच करती है, हल्का हल्का मैच करती है। तो ये जगह आपका भागलपुर हो गया। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो उस समय ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, अभी पूरी तरह UGC के अंडर में आ गई है, नॉर्मल शिक्षा दी जाती है भागलपुर में। भागलपुर का नौगछिया जगह है, केला उद्योग के, केला के लिए प्रसिद्ध है नौगछिया। भागलपुर के जस्ट ऊपर कटिहार मिलेगा, भागलपुर के जस्ट ऊपर कटिहार, भागलपुर के जस्ट ऊपर कौन जगह है कटिहार। कर सर मुंगेर में AK-47 नहीं मिलेगा, नहीं वो इलीगली मिलता है AK-47। दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाला बंदूक AK-47 है, उसकी सबसे बड़ी की खराबी क्या है, वो फोल्डेड हो जाता है, मतलब इतना बड़ा होता है, पीछे का जो बट होता है वो फोल्ड हो जाता है, आराम से हाथ में लेके इतना बड़ा में हो सकता है, 30 गोली मार सकते हैं एक सेकंड में, 16 गोली मजल भाई, इतना तगड़ा उसका रेट ऑफ फायर है, धड़धड़ा दीजिए एकदम पूरा। ये ऊपर जगह कौन सा है, कटिहार, कौन जगह है कटिहार, कटिहार में एक जगह है कुर्सेला,
नक्शा में नहीं दिखेगा। कटिहार के कुर्सेला में आके कोसी नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। कटिहार के कुर्सेला में आके कोसी नदी किससे मिल जाती है? गंगा। कटिहार का सबसे प्रमुख उद्योग है जूट उद्योग। कौन उद्योग? जूट उद्योग। जूट उद्योग जो होता है, पौधा होता है जूट का, उसका छाल नोच लिया जाता है। क्या नोच जाता है? छाल नोच लिया, और उसके बाद उसको सड़क पर बिछा के पानी में भिगा दिया। पहले उसको ना गन्ना की तरह होगा पतला पतला, उसको उखाड़ के सड़क पर पहले पानी में भिगा दिया जाएगा। एक हफ्ता पानी में फूल जाएगा, सड़क पे बिछा दिया जाएगा, ट्रक वरक कचरते हुए जाएगा, फिर उसमें से एक तो खींच खींच के उसमें से धागा निकालकर उसका बोरा सिल दिया जाता है। तो जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जूट, हिंदी में कहते हैं पटसन, और वहां के लोग इसको पटुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? पटुआ कहते हैं। तो ये तना से निकाला जाता है। ठंडी का दिन जब आता है तो लोग अपने भैंस को ओढ़ाने के लिए इसी जूट का बोरा का प्रयोग करते हैं। जूट का बोरा जो होता है उसका, प्लास्टिक वाला बोरा भैंस को थोड़े उड़ाया जाता है, जूट वाला। और गांव में देखिएगा, पैर पोछने के लिए वही बोरवा गांव में बिछा दिया जाता है। और CBSE वाला एक दुकान रख ले रहता है सब पैर पोछने के लिए, उसको कहता है सर डोर मैट। इस तरह दुकान एगो रख ले रहेगा सर डोर मैट, वही में से पोछ के जाएगा सर दरवाजा में, उसी को डिजाइन कर दिया सब बोरवा को, तो क्या बोलता है सर? डोर मैट। CBSE वाला जूट हिंदी है कि इंग्लिश है? यह मिल गया आपको कौन सा जगह? कटिहार। कटिहार के कुर्सेला में कौन नदी आके मिलती है? वापस हम आपसे पूछते हैं, ये जगह बोलिए भभुआ, ये रोहतास, ये जिला आरा, ये बक्सर, औरंगाबाद, गया, बिहार शरीफ, नालंदा वाला, ये नवादा, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। मिल गया कटिहार। कटिहार के ऊपर देखिए पूर्णिया और मधेपुरा, पूर्णिया मधेपुरा ऊपर में, पूर्णिया और मधेपुरा मिल गया, पूर्णिया और मधेपुरा इस साइड में मिलेंगे से सब ऊपर ऊपर, पूर्णिया मधेपुरा मिला कि नहीं जी? मधेपुरा में रेलवे डीजल इंजन कारखाना खोला गया। मधेपुरा में बहुत बड़ा डीजल इंजन कारखाना खोला गया, फ्रांस की अल्स्टम कंपनी से मिलकर WAG-12 इंजन, जो भारत का सबसे शक्तिशाली ये ट्विन सेक्शन इंजन है। एक इंजन इतना है, अब दो ठो इंजन है सब एक ही में, अलग अलग काम नहीं कर सकते, ट्विन सेक्शन इंजन है सर। इसको बोबो इंजन पे बनाया गया। एक बार इसका वीडियो हम यूट्यूब पे डाले हैं, आपको देखना है तो देख सकते हैं। WAG-12 इंजन, WAG-12 कहाँ बनता है? मधेपुरा। भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन WAG-12, बहुत खतरनाक है डीजल। WAG का मतलब है वाइड गेज डीजल गुड्स लोकोमोटिव, जी फॉर गुड्स। अब वही वाइड गेज अगर P लिखा है, WAP लिखा है, तो पैसेंजर लोकोमोटिव, मतलब पैसेंजर को खींचने वाली होती है। तो जो सवारी को खींचने वाली ट्रेन इंजन होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, लोड क्षमता कम होती है। जो मालगाड़ी को खींचता है उसका स्पीड उतना नहीं होता है, लोड खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है। कहाँ पे है भैया? मधेपुरा वाला एरिया। ऊपर में कौन जगह मिलेगा? पूर्णिया। कौन सा जगह है? पूर्णिया। मिल गया पूर्णिया। पूर्णिया वो बंगाल को, वो पश्चिम बंगाल को भी टच करेगा, टच कर रहा है कि नहीं? नेपाल ऊपर में देखिए, उससे ऊपर में कौन हो जाएगा? नेपाल। अब वापस इस डायरेक्शन में आते हैं, इस डायरेक्शन में बहुत घूम लिए लोग। इस डायरेक्शन में देखिए, ये नदी बोलिए कौन नदी है? गंडा। नदी का नाम गंडा। ऊपर में देखेंगे यहाँ पर चंपारण मिलेगा, पर चंपारण ना देखे बेतिया लिखा होगा, और इस साइड में लिखा होगा मोतिहारी। इस साइड में बेतिया, एक साइड में मोतिहारी, उसके बगल में सीतामढ़ी। मिला? बेतिया मोतिहारी सीतामढ़ी, बेतिया मोतिहारी सीतामढ़ी। मिल गया? लाइव वाले से देखेंगे। मिला? ये टोट देखिए बहू, ये दोनों जिला मिलाकर था पहले चंपारण। इस चंपारण जिला में विभाजन हो गया, एक हो गया पूर्वी चंपारण जो सीतामढ़ी से सटा है, तो इसका मुख्यालय है मोतिहारी, और एक पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय है बेतिया। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, जो सीतामढ़ी यानी सीता जी से सटा हुआ है, वो मोती उती पहना है भाई, सीता जी मोती पहनती थी, तो याद रखिएगा जो इससे सटा रहेगा मोतिहारी, इधर वाला बेतिया। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान दो दो ठो है सब, वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान,
वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आप में से कितने लोग बता सकते हैं एक पहाड़ी है, कुछ पहाड़ी का नाम कितने लोग बता सकते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़ी। तो बिहार में ये पहाड़ी में सबसे प्रमुख कौन सा जगह? सोमेश्वर की पहाड़ी, ये जगह बताइए। वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में, ये जगह कौन सा है भैया? सीतामढ़ी। सीता जी कहाँ से मिली थी? सीतामढ़ी से मिली थी। राजा जनक उनको कहाँ लेते गए? नेपाल। राजा जनक नेपाल थे, नेपाल लेते चले गए। ये ऊपर के दो तीन जिले समझ में आ गया, इसके नीचे आपको तीन जिले मिलेंगे। ये गोपालगंज, इसका मतलब ये हाल ही फिलहाल में ज्यादा दिन नहीं हुआ, अलग हुआ था सिवान छपरा से। उसके नीचे देखिए सिवान और नीचे में छपरा। सिवान मिला? सिवान नहीं मिला। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? सिवान के जीरादेई में। सिवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, सिवान के जीरादेई में। उसके नीचे जगह कौन सा है? छपरा। कौन सा जगह है? छपरा। छपरा के जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था, भारत मतलब जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो विद्रोह किया गया, तो अंग्रेज सब पति नहीं मानता था भारत का, तो छपरा के जेल के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया। सब कैदी उघारे घूमने लगा। नंगा विद्रोह कहाँ किया गया था? छपरा। अंग्रेज सबको दौड़ा दिया सब। अंग्रेज कहा कि भाई इंसों का बात मान लो। तो अंग्रेजों का बात, नंगा विद्रोह कहाँ से किया गया था? छपरा। कहाँ से? छपरा से। सिवान में आप समझे, यहाँ पे एक और आदमी शहाबुद्दीन का बहुत फेमस था, अभी जेल में। समझ में आ गया? नीचे वाला ये जगह छपरा, साहब ये नीचे वाला जगह छपरा। छपरा में कौन सी नदी आएगी? इधर से घाघरा और इस साइड से गंडक। छपरा जिला का नाम ऐसे सारण है, क्या है? सारण। छपरा से सट के इधर देखेंगे वैशाली। छपरा से सट के इधर वैशाली, मिल गया वैशाली। वैशाली जो जगह है, यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था, भारत में पहला गणराज्य जो था लिच्छवी गणराज्य। क्या नाम था? लिच्छवी गणराज्य। कहाँ था? वैशाली। लिच्छवी गणराज्य, भारत दुनिया का पहला लोकतंत्र लिच्छवी, कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली, वैशाली जिला का मुख्यालय भी कौन सा? हाजीपुर में। यहाँ तो ये जगह हो गया आपका कौन सा जगह? वैशाली। समझ आ गया? अभी सबको मीठा केला के लिए भी हाजीपुर बड़ी फेमस। हाजीपुर में केला थोड़ी केली होती है सर। भुसावल महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां केला होता है। हाजीपुर में केली। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, रेडी हैं? सर बीपीएससी के लिए आर्ट्स अच्छा है, साइंस के लिए क्या करें? हद है यार, तुम ऐसा चीज का साइंस, बीपीएससी का साइंस कोनो साइंस होता है? बाबू रेलवे में जो हम साइंस पढ़ाए थे ना एनटीपीसी वालों के लिए, उसका अगर कोई साइंस पढ़ लिया ना तो बीपीएससी में का साइंस नहीं छूटेगा। एकदम बच्चा टाइप का साइंस पूछता है, मतलब साइंस बीपीएससी का ऐसा रहता है कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से इंटर तक पढ़ा है ना, मजाकों में पढ़ा है लेकिन साइंस बैकग्राउंड से, तो बना ले जाएगा। अब रूबी राय की तरह कौन पढ़ ले है बिहार टॉपर? तो चलो ये जगह बक्सर, ये आरा, बाबुआ, रोहतास। कौन जगह? रोहतास। इसको कौन नदी से घेरते हैं? सोन नदी से। कौन नदी से? सोन। कितने लोग बता सके? ये जिला औरंगाबाद, गया, सूर्य मंदिर औरंगाबाद, ये जगह गया, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर वगैरह इसमें, ये नवादा, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, हो गया। इस साइड में बोलिए, ये नदी बोलिए तो गंडक, ये सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, छपरा,
वैशाली, अब यहीं पे आपका सीहोर वगैरह डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो सारा डिस्ट्रिक्ट को आदमी थोड़ी ध्यान से मत रखता है। अब इसमें दो चीजें और तीन जगह और आपको ध्यान रखना है, ये वैशाली है, वैशाली के बगल में मिलेगा मुजफ्फरपुर, देखिए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर मिला। हो गया, किसी को कोई दिक्कत? दीपक कुमार सर मोबाइल से एडमिशन लिए हैं, पटना में आके क्लास कर सकते हैं? नहीं सब हमरे पे रिसर्च करता है सब, वहां 200 लगता है, यहाँ नहीं लगता है। ये जगह कौन सा है? मुजफ्फरपुर। कौन जगह है? मुजफ्फरपुर। ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है। हाँ भाई लीची फेमस है। समस्तीपुर का एक जगह है पूसा, समस्तीपुर में एक जगह है पूसा, समस्तीपुर में जगह का नाम पूसा। उस पूसा में एक बहुत बड़ा विद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, मतलब वो एग्रीकल्चर रिसर्च होता है कि खेती पर किस तरह से क्या किया जाए, मतलब रिसर्च किया जाए वगैरह पे। तो राजेंद्र कृषि विद्यालय समस्तीपुर में किस जगह पर है? राजेंद्र कृषि विद्यालय समस्तीपुर के एकदम ऊपर देखेंगे मधुबनी, एकदम ऊपर देखेंगे मधुबनी, मिल गया मधुबनी। सबसे ऊपर में कौन जगह है? मधुबनी, मधुबनी। आप में से है लोग कोई मधुबनी गया? मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। बट दोनों पेंटिंग में अंतर क्या है? मधुबनी पेंटिंग देहाती या ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया जाता है, इसमें अकेला चित्र दिखाया जाता है, महिलाओं को इसमें ज्यादा दिखाया गया है काम उम करते गांव के क्षेत्र को। और जबकि पटना सेंट पेंटिंग में क्या है? शहरी क्षेत्र को या आम जनजीवन को दर्शाया गया है। जैसे पटना, आप अगर ध्यान से देखेंगे मधुबनी में, तो मधुबनी पेंटिंग में कोई महिला होगी, उसका कपड़ा कैसा रहेगा? अजीब टाइप का बना देगा इसे, यहाँ पे बस दिखाया जाएगा कि हाँ ये काम क्या कर रही थी, ऐसे घड़ा लेके जा रही होगी, लेकिन उसके डिजाइन से कोई खास बहस नहीं रहेगा। लेकिन हाँ लग जाएगा कि नहीं ये चित्रकार दिखाना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर उसी पटना कलम शैली में दिखाना होगा ना, तो एकदम चलचित्र दिखाता है। अगर पटना कलम शैली में देखेंगे तो खान सर को दिखाएगा ऐसे पढ़ाते हुए एकदम बेहतरीन, मतलब एक रनिंग फोटो खींचा गया रहता है ना, तो पटना कलम शैली की फोटो ऐसी रहती है जो एकदम रनिंग लगेगा आपको। हालांकि हिस्ट्री का ये टॉपिक है, उसमें आदमी और डिटेल से बताएगा आपको कि मेन अंतर क्या है। अब जैसे पटना कलम शैली में क्या दिखाएगा कि कोई लड़का है मेला में अपने पापा से कह रहा है फुलौना जो खिलौना जो है यहाँ पे ये सब कुछ कुछ खरीद दीजिए यहाँ पर, तो वैसे दिखाएगा एगो खिलौना बेच रहा है, एगो पापा से कर रहा है खरीद दीजिए, एकदम बेहतरीन डिजाइनिंग होगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मधुबनी कला में परछाई नहीं बनाया जाता है। मधुबनी कला में देखिएगा ना, केवल मुख्य औरत या उस सबको बनाया जाएगा, उसका परछाई नहीं दिखाया जाएगा। और पटना शैली में ना उसकी परछाई दिखाना जरूरी है, छाया शैली उसमें, इसलिए पटना कलम शैली में आप देखेंगे जो भी ड्राइंग बनाई जाएगी वो क्या है? छाया रहेगी उसमें, और एकदम ऐसा लगेगा कोई रनिंग सीन को कोई फोटो खींच लिया गया। कभी कभी देखते हैं जैसे कोई जानबूझ के फोटो खींचवाता है, हाँ खींच लो, ये वाला पटना शैली में नहीं है, कोनो काम करा है ऐसे खींच लिया, उस टाइप का बनाता है आम जनजीवन को, समझ में गया? तो ये मधुबनी पेंटिंग है। यहाँ पे जयनगर जगह है, उसके ऊपर चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा? नेपाल। जयनगर के बाद क्या आ जाएगा? नेपाल। ये जगह बोलिए तो मधुबनी, कौन जगह है? मधुबनी। आगे बढ़ जाए, मधुबनी के बाद दरभंगा मिलेगा, दरभंगा थोड़ा सा नीचे देखिए ना, मधुबनी के नीचे दरभंगा। तो मिथिला का हृदय कहा जाता है दरभंगा और मधुबनी को। मिथिला जो देखिए पूरा एरिया क्या है? मिथिला, इसका हृदय है दरभंगा। मिथिला का हृदय किसे कहा जाता है? दरभंगा को कहा जाता है। अभी वहां हाल ही में एयरपोर्ट खुला है, दरभंगा में क्या बोला है? एयरपोर्ट। और बिहार के दो सबसे बड़े हॉस्पिटल, एक पटना में है PMCH और एक दरभंगा में है DMCH। DMCH एम्स तो नया नया खुल ले है, यहाँ एम्स में 20 को बेडवे है, एम्स कौन सी है? अभी खुदे सीख रहा है वो। एम्स एरिया बड़ा है, अभी बेड वगैरह एम्स में उतना बड़ा नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ये जगह बोलिए मधुबनी। बिहार में पेंटिंग कहाँ फेमस? फांसी देने वाली रस्सी, योग विश्वविद्यालय, काबर झील बेगूसराय, काबर झील केली हाजीपुर, केली स्टेशन पे जाइए ना ट्रेन से, तो बोल केला नहीं बोलता है, केली भी नहीं बोलता, चिनिया केला इतना छोटा छोटा रहता है, 8-10 तो खा लेंगे ना, तू अभी ओएसोफेगस में अटका रहेगा, एक दर्जन खाने के बाद वो पेट तक पहुंचेगा, ओ माय गॉड केला
है वहां पे, बताइए। सीमेंट फैक्ट्री, हथियार, योग विश्वविद्यालय, सिगरेट फैक्ट्री, शेरशाह सूरी का मकबरा, सबसे कम वर्षा, सिमुल्तना आवासीय विद्यालय, काबर झील, नवादा में कौन सा जलप्रपात है, काकोलक जलप्रपात, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, कौन धर्म, बौद्ध धर्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सोन नदी किस जगह पे आके पटना में मिलती है, कोइलवर के पास, पटना के शहर पटना में एक जगह है फतुहा, वहां कौन नदी आके मिलती है, पुनपुन। बिहार का शोक, विश्वासघाती नदी, कोसी की सबसे बड़ी सहायक कमला, उसके बाद बागमती, बागमती, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। सिवान छपरा वाला एरिया देखे, ये वाला एरिया कौन सा है, ये जगह, ये सिवान छपरा और यहीं पे है गोपालगंज, ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पे लोग इतना ना विदेश में रहते हैं, इतना विदेश में, जहां देखोगे ना कोनो काम हम सीखा सीधे कहां पे, विदेश, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं विदेश में, जब ये रहते हैं वहां का ऑक्सीजन, वहां का खाना पानी, वहां के हवाओं को प्रदूषित करते हैं, वहां मेहनत करते हैं, वहां काम करते हैं और खड़े पैसा भारत में भेजते हैं। और भारत सरकार को देखिए और बिहार को सरकार को देखिए, किस तरह से ये लोग अपनी आंखें मूंद के बैठे हैं कि बिहार में एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं दिया गया ताकि ये सऊदी अरब से डायरेक्ट पटना उतर सके, और कहते हैं बिहार में विकास नहीं हो रहा है। अरे वो आदमी दिल्ली उतरता है, दिल्ली उतरने के बाद एयरपोर्ट पर पगलाता है, एयरपोर्ट पर तो आदमी उब जाता है, सोच रहा ना किसी से बतिया, जहाज में देखिएगा ना कोनो से सोचिएगा बतिया, तो सब उनमें सीबीएसई वाला रहता है, खनुआ अजीब देता है सब, उसे कहिए कि कुछ खाना दो तो ब्रेड को ऐसे आग दिखा के गर्म करके दे देगा खा लीजिए, अरे चुचा कौन सी खाए हो हमें। तो आप बताइए यहाँ पर एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, नहीं अगर इतना पैसा है इन लोग, ये लोग विदेश से इतना पैसा भेजते हैं, केवल इन तीन जिला का विदेश से पैसा रोक दीजिएगा तो बिहार की जीडीपी में कई प्रतिशत का अंतर आ जाता है, मतलब वहां पे जीएनपी वगैरह जो निकाला जाता है, जीडीपी में तो डायरेक्ट उनका पैसा नहीं आता है, जीएनपी में आता है, इतना उन लोग को इनकम होता है। लेकिन सोचिए हद है भाई साहब बेवकूफी की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इन लोगों को विदेश जाना रहता है तो कैसे जाते हैं, पटना से दिल्ली, दिल्ली से अब इंतजार करेंगे कौन फ्लाइट कितने बजे है, उसके बाद वहां से जाएंगे वहां पर, जबकि उत्तर प्रदेश में भी लोग विदेश में रहते हैं लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये सब बनाना चाहिए, यहाँ के लोगों डिमांड नहीं करते हैं। तो आप ये सब चीज को समझ में आ गया, आप लोगों बिहार समझ रहे हैं, अब झारखंड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कल, आज के लिए इतना ही है।